हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज हम बात करेंगे हाशिमोटो थायराइडिटिस के बारे में, यानी कि एक तरह का जो ये थायराइड का रोग होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और थायराइड जो होता है उसके अलग अलग रूट कॉज होते हैं। ये थायराइड जो है ये सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो प्राइमरी कॉजेज होते हैं, जो प्राइमरी प्रॉब्लम होती है, उनमें से एक है हाशिमोटो थायराइडिटिस। और ये प्रॉब्लम जो है 70-80% लोगों में आजकल देखने के लिए मिलती है। थायराइड का मतलब केवल ये नहीं कि मुझे थायराइड हो गया या मुझे थायराइड की बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। थायराइड का मतलब है ये एक आपका जो आप प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं वो आपका एक ही रिजल्ट बताता है कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी। और ये जो इसका जो प्राइमरी कॉज है वो कुछ और है, और इसी वजह से जो आपका थायराइड का रेंज आता है, जो आपको प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं T3, T4 और TSH का, वो सही नहीं आता। तो इसमें आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मेरा जो थायराइड का जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको जान लेंगे या फिर उसको टेस्ट के थ्रू मालूम करवा लेंगे तो आपको अपने ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी। और क्योंकि मैं एक थायराइड के ऊपर ही बहुत सारे जो है वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, काफी मैंने रिसर्च की है उसके लिए और काफी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिससे काफी लोगों की बहुत हेल्प हुई है, और इसी वजह से मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसके लिए हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि आप इसको नेचुरल रेमेडी या नेचुरल तरीके से ही आप इसको ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर आपको इसके लिए मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, पर हर एक थायराइड की प्रॉब्लम में मेडिकेशन की जरूरत हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर रोग के लिए, थायराइड का जो प्रॉब्लम है उसके हर एक प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ नेचुरल रेमेडीज होती हैं, और ये इतनी असरदार होती हैं कि आपकी दवाइयों की जो डोजेज हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाती हैं और उसके बाद एक दिन खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि मेरे पास कई लोग अपनी जो थायराइड की रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो आप लोग मुझे बोलते हैं, और अपने T3, T4 और TSH की जो रेंज होती है वो बताते हैं। वो तो चलो मुझे समझ में आता है, उसके लिए मैं अलग से Q&A करूंगी, लेकिन मैं हर वीडियो में ज्यादातर यही बात बोलती हूँ कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है जिनको कंसीव हो चुका है वो अपनी जो मेडिकेशन है, जो थायराइड, अगर उनका जो थायराइड लेवल TSH बढ़ा हुआ आया है और उनका मेडिकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपका मेडिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो फिर आप अपनी मेडिकेशन को बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि आपका जो पूरा रिपोर्ट है, जो आपकी पूरी जानकारी है वो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उन लोगों के पास होती है। और आप इसमें कोई भी रिस्क मत लेना कभी भी दवाइयों को छोड़ने का। जब तक आप प्रेग्नेंट है आपका जो TSH लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहना ही चाहिए, तो इसलिए आपको मेडिकेशन दिया जाता है, और प्लीज आप उसको कंटिन्यू कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस मत करिए कि मैं इतने महीने से प्रेग्नेंट हूं, मैं इतने महीने की प्रेग्नेंट हूं, मैं आपने कहा दवाई छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्या बिल्कुल नहीं। जब तक आप प्रेग्नेंट है तब तक आप दवाइयां नहीं छोड़ सकते, अपने आपको मेडिकेशन पे आपको रखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो ये मैं बातें आप लोगों को सिम्टम्स और ये जो नेचुरल रेमेडीज बताती हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है। और जो लोग ऐसे भी हैं, बहुत से लोग जो कि और भी कई सारी बीमारियों के साथ ग्रसित होते हैं, जैसे कि आप केवल थायराइड के लिए नहीं, आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आपको है उसके साथ अगर आप अपना कॉम्बिनेशन करके लेते हैं तो भी आप एकदम से अपनी मेडिसिन को मत छोड़िए। आप सबसे पहले जो रेमेडीज होती हैं धीरे धीरे करके उनको स्टार्ट कीजिए, और उसके साथ आपको जो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका जो मेडिकेशन है वो अपने आप उसकी जो MCG जो डोजेज होती हैं वो कम हो जाएंगी और वो छूट जाएगा। ये एक सही तरीका होता है, और यही तरीका मैं अब ज्यादातर वीडियोज में बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बात करूंगी हाशिमोटो थायराइडिटिस के बारे में कि ये क्यों होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं और ये इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। और ये आज मैं बात करूंगी सिर्फ हाइपोथायराइड में जो हाशिमोटो थायराइडिटिस की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। हाइपर थायराइड के लिए मैं आज ये बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और फिर इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके लिए भी मैं, जो इनकी रेमेडीज होती हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सारा एक साथ अगर मैंने पैचअप कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे स्लोली मैं इन वीडियोस को बनाऊंगी, और आज मैं बात करूंगी हाशिमोटो थायराइडिटिस हाइपोथायराइड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके सिम्टम्स बता देती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। और ये तो खैर मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको जो टेस्ट होते हैं वो आप जरूर करवाएं। अगर आपकी जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है
तो आप इसको घर में ही किस तरीके से अपने आप कुछ नेचुरल तरीकों से इसको ठीक कर सकते हैं, इससे क्योर हो सकते हैं और इन तरह की प्रॉब्लम से आप बहुत आराम से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको जिंदगी भर थायराइड के लिए मेडिकेशन जो है वो लेना पड़े, सुबह सुबह एक गोली खाना, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको जिंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ती और ना ही खानी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहती है, यानी कि थकान बहुत ज्यादा रहती है, और आपका जो वेट है वो काफी गेन हो रहा है, काफी बढ़ रहा है, आपके जो बाल हैं वो काफी थिन हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, ड्राई रहते हैं और झड़ने भी बहुत ज्यादा लगे हैं, आपकी स्किन जो है वो काफी ड्राई रहने लगी है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी पुअर हो चुका है, वीक हो चुका है, और आपकी जो स्ट्रेस लेवल है, मतलब आपकी जो स्ट्रेस है वो ज्यादा ज्यादा सी बात पे आप एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं, एकदम एंग्जाइटी आपको होती है, और आपकी जो मेमोरी है वो भी काफी हद तक लॉस होने लगा है, और जो आपकी जो पीरियड साइकिल होता है उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा, हैवी ब्लड फ्लो होता है या फिर आपको प्रेग्नेंट होने में उसमें दिक्कत होती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। पर ये सारे सिम्टम्स होने के साथ अगर आपको ऐसे सारे सिम्टम्स हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हाशिमोटो थायराइडिटिस की प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए आपको एक टेस्ट कराना होता है जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एंटीबॉडीज का टेस्ट। अगर आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज जो है वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, आपको किसी भी एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं आपके शरीर की रक्षा के लिए होते हैं, या आपकी रक्षा प्रणाली होती है इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपकी शरीर के अंदर एंटीबॉडीज उस वक्त डेवलप होने लग जाते हैं जब आपके ऊपर किसी बाहरी वायरस या बीमारी का हमला होता है। लेकिन अगर आपके आपका जो किसी भी तरह का आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, किसी भी तरह के आपको कोई बाहरी जो वायरस है उसका हमला भी आपके ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बहुत तेजी से डेवलप होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं आपकी ही बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी बात, वो किस चीज पर अटैक करते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। अगर आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर वो जो एंटीबॉडीज है वो अटैक करते हैं तो क्या होता है, आपका जो T3 और T4 का सिक्रीशन जो आपका थायराइड ग्लैंड करता है उसकी फंक्शनिंग जो होती है स्लो हो जाती है, और T3 जो मास्टर हार्मोन होता है, जो स्टार हार्मोन होता है, जिसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए ये सारे सिम्टम्स तभी डेवलप होते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर T3 हार्मोन जो है वो बहुत कम बन रहा हो, कम, बहुत कम या फिर कम बन रहा हो, ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं या फिर आप बहुत ज्यादा ओबेज हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो T3 हार्मोन है वो ठीक तरीके से नहीं बन रहा है, जिसके कारण ये पूरे सिम्टम्स जो होते हैं दिखाई देते हैं। आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपके हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं, ठंड आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बॉडी टेम्परेचर आपका काफी स्लो हो जाता है, या फिर आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं बोन के, उनके अंदर दर्द होना, उनको पेन अगर आपको उनके अंदर होता है, दैट मीन्स जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं वो केवल आपके थायराइड ग्लैंड पर ही अटैक नहीं करते, वो आपके जो बोन के जो जॉइंट होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, और इसको बोलते हैं अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना। तो अगर आपकी आपको अर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है तब भी आपको अपने एंटीबॉडीज को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो होते हैं जो कि हमारे भलाई के लिए होते हैं ये हमारे ऊपर ही अटैक कर देते हैं, और आपके जो जॉइंट होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, आपके जो मॉइस्चर ग्लैंड होता है स्किन के ऊपर, जो मॉइस्चर ग्लैंड होता है जिसके कारण चेहरे पे चमक रहती है, ग्लो रहता है, उसके ऊपर अगर अटैक करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, आपके जो स्कैल्प होते हैं अगर उनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो आपके बाल जो होते हैं वो काफी झड़ने लग जाते हैं। तो खाली जो एंटीबॉडीज होते हैं, आपने कई सारे वीडियोज ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो खाली आपके ग्लैंड के ऊपर ही नहीं बल्कि आपके और जगह पर जो और बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, जिसके कारण आपका जो ये सारे प्रॉब्लम्स, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफी स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब होता है जो भी आप खाना खाते हैं,
जैसे आपको बोला जाता है कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाइए, लेकिन वो न्यूट्रिशियस फूड भी आपको न्यूट्रिशन नहीं दे पाता क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है तो आपका जो खाना है वो बजाय एनर्जी में कन्वर्ट होने के वो फैट के अंदर कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है। तो ये चीज इतनी ज्यादा मतलब डेंजरस तो मैं नहीं कहूंगी इसको, लेकिन हाँ अगर आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं तो एक लॉन्ग टाइम के बाद इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। और इसको ट्रीट करना, जैसे आपने अपने सिम्टम्स भी सुने होंगे, इसको ट्रीट करना भी बहुत अच्छी तरीके से आप नेचुरल तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बात ये हुई कि ये तो हो गए आपके सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके हाशिमोटो थायराइडिटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो मैं अब बताऊंगी आपको रीजन कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरह की जो हरकत होती है वो क्यों करता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतने ज्यादा जो एंटीबॉडीज ऑटो इम्यून कंडीशन आपके अंदर आ जाती है, इतने ज्यादा एंटीबॉडीज क्यों बना रहे हैं, उसके लिए अगर साइंटिफिक रिसर्च देखा जाए तो लोग कहते हैं कि इसका अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको जो थायराइड ये जो आपके एंटीबॉडीज है वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लगे। लेकिन अगर ट्रीटमेंट किया जाता है, आपके स्ट्रेस के ऊपर काम किया जाता है और आपकी डाइट के ऊपर काम किया जाता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली ठीक हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, यदि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ लोग स्ट्रेस में कैसे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं छोटी मोटी बात हुई, स्ट्रेस हुआ, थोड़ी बहुत देर बाद भूल गए तो वो चीज माइंड से हट जाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और वो उस चीज को पूरा ही सीने से लगाकर जो होते हैं सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक उसी को लगाकर जीते रहते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री किसी भी टाइम नहीं हो पाते। तो अंडर स्ट्रेस, जब वो बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस रहते हैं तब जो होते हैं आपके जो स्ट्रेस होते हैं उससे जो आपका कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो डेवलप होता है, और ये जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है ये एक एनिमी की तरह होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज को डेवलप करने लगता है, और उस कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके ऊपर अटैक करने लगता है। अब आपको मैं एक और बात बता देती हूँ, जो फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो खुद आपकी ही बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर से जहां जहां पर भी सिक्रीशन होगा, चाहे आपके मॉइस्चर ग्लैंड्स हो गए तो वहां पे मॉइस्चर का सिक्रीशन होता है, चाहे आपके थायराइड ग्लैंड है तो वहां पर T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, चाहे आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आपकी होती है उस समय भी आपकी बॉडी कुछ सिक्रीज करती है ब्लड का, तो वहां पर भी ये अटैक करते हैं। तो और अगर आपकी जो जॉइंट पेन की बात करें, जहां पर कार्टिलेज होता है, जहां पर ऑलरेडी चिकनाई जो होती है धीरे धीरे करके आपके खाने के थ्रू चिकनाई बनना शुरू होता है, तभी आपके जोड़ जो आपने आपको ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप घुटने की प्रॉब्लम से परेशान है तो डॉक्टर आपको कहते हैं आपके चिकनाई कम हो गई, यानी कार्टिलेज जो होता है वो कम हो गया। तो कार्टिलेज क्या होता है, जब तक आप अच्छा खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ वर्कआउट हल्का फुल्का करते रहते हैं, चलते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो वो कार्टिलेज भी बनता रहता है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर कुछ भी सिक्रीशन होता है तो वो उसको एज अ एनिमी ही लेता है और उसी के ऊपर अटैक करता है। आप देख लीजिए जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे सिम्टम्स तभी होते हैं जब आपके मॉइस्चर ग्लैंड के ऊपर अटैक होते हैं, जब आपके पीरियड जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तब आप उसके ऊपर अटैक होता है, आपके घुटनों के अंदर जब कार्टिलेज बनता है उसके ऊपर अटैक होता है, आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर T3 और T4 हार्मोन बनता है उसके ऊपर भी अटैक होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस के कारण कितना प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर खड़ा हो जाता है। हम लोग नॉर्मली बात करते हैं अरे स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेने से ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के कारण आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है, आपका जो फेस होता है एजिंग जो होती है बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाती है आपके शरीर में, मतलब आपका जो फेस होगा उसमें रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाएंगे। उसका रीजन होता है कि आपका जो मॉइस्चर ग्लैंड है वो खराब हो रहा है, आपका आपके शरीर के अंदर मॉइस्चर ग्लैंड अगर ठीक से नहीं बनेगा, ठीक से काम नहीं करेगा आपकी स्किन के ऊपर, तो क्या होगा आपका जो ड्राई स्किन होने से क्या होगा, आपके क्रैक्स पड़ेंगे और आपका जो रिंकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी डेवलप होने जाएंगे, होने लग जाएंगे, और एज से पहले ही आप एज जो है एजेड देखने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है वो अगर देखा जाए तो आपके पूरे शरीर के ऊपर किस तरीके से काम करता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ कि प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको स्ट्रेस होता भी है तो फिर आप बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बने हुए हैं,
और जो मेरा दूसरा चैनल है, स्पेशली मैंने वो चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है कि ताकि अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो उसमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि आप किस तरह से अपने स्ट्रेस से बच सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस से दूर रख सकती हैं, बहुत आसान होता है लेकिन जब स्ट्रेस में आदमी होता है तो ये भी नहीं सोच पाता कि स्ट्रेस से दूर कैसे रहें, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस चैनल का जो वीडियो है, एक अच्छा वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप उस वीडियो को देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस चैनल पे भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। और जो दूसरा इसका जो रीजन होता है वो ये होता है, कई बार आपके ऊपर वायरस जो होते हैं हमला करते हैं, और दूसरी बात आपकी जो जीन होते हैं उनके कुछ कॉम्बिनेशन के कारण, जो साइंटिफिकली चीजें निकलकर आई हैं वो यही बताती हैं कि कई बार आपके जीन जो होते हैं वो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिसके कारण आपके अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लग जाते हैं, या फिर कोई वायरस अगर बाहर है तो भी आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो काफी हद तक डेवलप होने लग जाते हैं। लेकिन जो इसका रीजन है स्ट्रेस के लिए, और आपकी डाइट भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कौन सी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं कोई डाइट चार्ट नहीं बताती हूँ, ना ही मुझे पसंद है। और डाइट को किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, और इस बीमारी से किस तरीके से विदाउट एनी मेडिकेशन आप लड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो हाशिमोटो थायराइडिटिस के ऊपर मेरे को बनाना था एक, बट इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाना बहुत जरूरी था, इसीलिए इस वीडियो का मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। और सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊंगी वो भी मैं जल्दी ही बना दूंगी। और फिर अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल मधुलिका कश्यप को, और जो दूसरा चैनल जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी निजी जीवन में बहुत हेल्प करता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।